jai hind all of you in our last video lesson uh, we have learned about the engineering skills and techniques and also about the development in the uh, construction of various architecture so in this video lesson we will study about building temples mosques and tanks uh, temples matlab mandir mosques masjid and tank matlab sarovar सो टेम्पल्स एंड मॉस्क जो होते थे वो बहुत ब्यूटिफुली बहुत सुंदर तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे क्योंकि ये प्रेयर करने की वर्शिप करने की जगहें थी लेकिन इन्हें इसीलिए भी बनाया जाता था ये दिखाने के लिए कि, कि किंग में कितनी ज़्यादा पावर है उसके पास कितनी ज़्यादा वेल्थ है और कितना ज़्यादा वो डिवोटेड है कितना बड़ा भक्त है वो जिस भगवान का भी उसने टेम्पल या मॉस्क बनवाई है सो so, अगर हम एग्जाम्पल लें राजराजेश्वर टेम्पल का जो हमने लास्ट वीडियो लेसन में पढ़ा था दिस इज़ राज राजेश्वर टेम्पल तो इसे राजा राजा राजदेव ने बनवाया था किंग का नाम था राजदेव और इन्होंने अपने फेवरेट जो डीटी थी मतलब फेवरेट इनके जो गॉड थे वो थे राज राजेश्वरम इनके लिए ये मंदिर बनवाया था तो आपको तीनों चीज़ों में सिमिलैरिटी दिख रही है तीनों के नाम सेम सेम हैं मंदिर का नाम है राजेश्वर टेम्पल किंग का नाम था राजदेव एंड गॉड का नाम था राजेश्वरम तो किंग्स जो थे वो भगवान का नाम इसीलिए अडॉप्ट कर लेते थे अपने नाम के साथ भगवान का नाम जोड़ लेते थे ताकि वो लोगों को दिखा सके लोगों को ये यकीन दिला सके कि हम भी भगवान हैं या फिर हमें भगवान ने ही भेजा है तो इसीलिए हमारे आदेश का सबको पालन करना चाहिए तो वो अपनी अपीयरेंस को वैसा दिखाने की कोशिश करते थे तो जितने भी बड़े बड़े भव्य टेंपल हुआ करते थे वो सभी किंग्स के द्वारा बनवाए जाते थे राजाओं के द्वारा बनवाए जाते थे बाकी के जो छोटे टेंपल्स हुआ करते थे जो जो इतने ज़्यादा उतने बड़े नहीं हुआ करते थे जितने कि किंग्स के द्वारा बनाए गए होते थे तो वो जो राजा होता था उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते थे, थे या उसके जो एलाइज थे तो उनके द्वारा ये टैंपल्स बनवाए जाते थे या फिर उसके कोई दरबारी वगैरह होते होंगे ऑफिसर्स होते होंगे उनके द्वारा तो टेम्पल जो था वो पूरे वर्ल्ड का मिनिएचर मॉडल था यानी कि ऐसा माना जाता था कि ये जो मंदिर है ये इसमें पूरा विश्व का ये एक मॉडल है और इसका राजा कौन है किंग इस वर्ल्ड का राजा किंग है वैसे ही मंदिर का राजा जो है वो भगवान होता है तो किंग को गॉड की तरह दिखाने का प्रयत्न किया जाता था अगर हम मुस्लिम सुल्तान्स की बात करें मुग़ल एम्परर्स की बात करें तो वो अपने आप को भगवान का अवतार नहीं बोलते थे लेकिन उनके जो क्रॉनिकल्स होते थे यानी कि उनके बारे में जो किस्से कहानियाँ लिखने वाले उनके जो दरबारी पोइट हुआ करते थे वो अपने सुल्तान को शेडो ऑफ गॉड यानी कि भगवान की परछाई की तरह एक्सप्लेन करते थे उन्होंने अपनी बुक्स में उनके बारे में ऐसा लिखा है तो एक इंस्क्रिप्शन है दिल्ली की मॉस्क में जिसमें हमें बताया गया है कि अलाउद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी को भगवान ने खुद आ, किंग चुना है क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े रूलर्स की क्वालिटीज़ हैं और साथ ही उसमें जस्टिस देने की क्षमता है तो इसलिए भगवान ने खुद उसको हमारा किंग बनने के लिए चुना है तो ये जो कोशिश थी कि राजा को भगवान की तरह दिखाएं ये हिंदूज़ में भी पॉपुलर थी प्लस मुस्लिम्स में भी पॉपुलर थी यहाँ हमें एक प्लान दिया हुआ है जामी मस्जिद जो कि शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल शाहजहानाबाद में बनवाई थी आ... ये हमें पूरी मॉस्क का प्लान दिया हुआ है और ये वाला जो पार्ट है गेट के अंदर वाला पार्ट ये हमें यहाँ साइड में दिया हुआ है कि सीढ़ियों से अंदर जाते हैं ओके यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का दिखाई दे रहा है सरोवर टाइप का टैंक जिसमें लोग शायद डुबकी लगाते होंगे आउट ऑफ रिलीजन जैसे ही कोई नया राजा बनता था या फिर कोई नई डायनेस्टी रूल करने आती थी पावर में आती थी तो उस डायनेस्टी के जो किंग्स होते थे जो नए नए राजा बनते थे उनकी ये बहुत इच्छा होती थी कि हम लोगों को ये यकीन दिला सकें कि हम भगवान के द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ताकि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें हमारे हर ऑर्डर को वो बिना क्वेश्चन किए माने तो इसीलिए वो लोग अपने आ, वो लोग अपने आर्किटेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलीजन की चीज़ें जोड़ने की कोशिश किया करते थे साथ ही वो लर्नड और पायस यानी कि लर्नड का मतलब होता है जो बड़े बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे उनको अपने दरबार में वो रखा करते थे साथ ही जो पायस यानी कि जो पवित्र पवित्र से मतलब कि अगर कोई हिंदू रूलर है तो वो बड़े बड़े पुजारियों को ब्राह्मण्स को मुस्लिम रूलर है तो काज़ियों को आ, मॉलवीज़ को अपने दरबार में रखता था और साथ ही ये जो किंग्स होते थे वो अपनी कैपिटल्स को और अपनी सिटीज़ को बड़े बडे कल्चरल सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया करते थे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हों कल्चरल सेंटर्स का मतलब है तीर्थ स्थल ओके तीर्थ स्थल के रूप में उसे जाना जाए या फिर ट्रेड के रूप में उसे जाना जाए इसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करते थे ऐसा माना जाता था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कि अगर एक न्याय देने वाला राजा है जस्ट किंग यानी कि न्याय देने वाला राजा है उसका टाइम यानी कि उसका रूल बहुत सालों साल तक चलेगा अगर आ, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी जिसके टाइम में जिसके रेन में जिसके शासनकाल में उस राजा का शासनकाल बहुत लंबा चलेगा तो एट द सेम टाइम मंदिरों के बाहर या मस्जिदों के बाहर या फिर उसके अंदर ही उसके कैंपस में ही जो छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े जो टैंक होते थे सरोवर होते थे उनको बनाना भी बहुत अच्छा समझा जाता था तारीफ़ हुआ करती थी ऐसे राजाओं की जो ये बनवाते थे फॉर एग्जांपल सुल्तान इल्तुतमिश जो कि स्लेव डाइनेस्टी का रूलर था आ, उन्होंने दिल्ली एक कोहना कि बिल्कुल बाहर की साइड एक बहुत बड़ा रिज़र्वर मतलब पानी इकट्ठा करने की जगह बनवाई थी तो इसमें उनकी बहुत तारीफ़ हुई थी इसका नाम था हौज़ ए सुल्तानी या फिर किंग्स रिज़र्वर क्योंकि ये राजा ने बनवाया था तो रूलर्स जो होते थे किंग्स जो होते थे वो बड़े बड़े टैंक्स और रिज़र्वर्स बनाते थे बड़े बड़े भी और छोटे छोटे भी ताकि ऑर्डिनरी पीपल जो कॉमन पीपल होते थे वो उन्हें यूज़ कर सकें ओके okay, ये कॉमन लोगों के लिए बनवाए जाते थे समटाइम्स ये जो टैंक्स और रिजर्वर्स थे ये टेम्पल्स के अभी मैंने बताया था कि टेम्पल्स के पार्ट होते थे मॉस्क के पार्ट होते थे या फिर गुरुद्वारा के पा, पार्ट हुआ करते थे यहाँ पे हमें एक फोटो दिया हुआ है जो कि गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का जहाँ पर होली सरोवर है यानी पवित्र सरोवर है नाउ वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड अब इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे राजा अपनी वेल्थ अपनी शान दिखाने के लिए तो इन टेम्पल्स को दूसरे राजा आके डिस्ट्रॉय क्यों कर देते थे ख़राब क्यों कर देते थे इसीलिए करते थे क्योंकि सपोज़ किसी राजा ने अपने कैपिटल में अपनी किसी सिटी में अपने एम्पायर में एक बहुत भव्य मंदिर बनवाया और दूसरे राजा ने उस पर अटैक किया तो जब दूसरा राजा उस पर अटैक करेगा तो उसका टारगेट वही बिल्डिंग्स वही मंदिर होंगे जो कि उस राजा ने अपनी शान दिखाने के लिए बनवाया ताकि वो बता सके कि देखो मैं तुमसे भी बड़ा वॉरियर हूँ मुझ में तुमसे भी ज़्यादा पावर है इसका एक एग्जाम्पल है अर्ली नाइन्थ सेंचुरी में जब पंड्या डायनेस्टी के किंग श्री श्री महाराज श्री वल्लभ ने श्रीलंका को इन्वेड किया था श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा को हरा दिया था तो वहाँ के जो श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर थे बुद्धिस्ट मोंक भी थे और कहानी लिखने वाले भी थे उन्होंने ऐसा बताया था ऐसा लिखा था कि पंड्या का जो किंग था जिसने हमला किया था उसने सारे के सारे जो वैल्यूएबल चीज़ें थी मंदिरों की मोनास्ट्रीज़ की क्योंकि उस टाइम पर श्रीलंका में बुद्धिज़्म बहुत फेमस था तो मोनास्ट्रीज जो थी वहाँ की जो गोल्डन इमेजेस थी सोने की बनी हुई मूर्तियाँ थी जितने भी ज्वेल्स थे बुद्धा के स्टेचूज़ थे वो सभी उसने अपने पास ले लिए और वो अपने साथ ले गया ओके okay, सो so इससे हमें पता चलता है कि एक किंग जो है वो दूसरे किंग पर जब आक्रमण करता था उसके राज्य पर हमला करता था तो उसकी जो बिल्डिंग्स होती थी टेंपल्स होते थे जिससे उस राजा का आ, राजा की पावर दिखाई देती थी उसके ऊपर उसका टारगेट रहता था लेकिन बाद में जो श्रीलंका के जो रूलर थे उनका बेटा जब सेन सेकेंड जब रूलर बना तो उसने भी पंड्यास की कैपिटल मदुरई पर आक्रमण किया और वापस से अपने सारे सामान बुद्धा का जो गोल्ड स्टैचू था वो भी अपने साथ वापस श्रीलंका लेकर आ गया था नाउ गार्डन्स टॉम्स एंड फोर्ट्स गार्डन्स आपको पता है टॉम यानी कि मकबरे जो को, कोई मर जाता है उसकी याद में बनवाए जाते हैं एंड फोर्ट्स यानी कि किले तो अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर जो था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर और एस्पेशली शाहजहाँ ये सारे जो रूलर्स थे वो पर्सनली लिटरेचर आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी तुजुक ए बाबरी में बाबर ने डिस्क्राइब किया है कि उसका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था चहर बाग गार्डन बनवाने का uh, तो वॉट इज़ अ चहर बाग गार्डन uh, चहर बाग गार्डन में uh, जो लिटरल मीनिंग है इसका चहर बाग का मतलब होता है फ़ोर गार्डनस तो एक बड़ा सा गार्डन बनाया जाता था uh, मैंने आपको क्लास में बताया था uh, एक बड़ा सा गार्डन बनाते थे और उसको चार क्वार्टर्स में बांट दिया जाता था फॉर uh, एग्ज़ाम्पल ये एक गार्डन बना हुआ है इसे इक्वल इक्वल चार पार्ट्स में बांट दिया जाता था और किस चीज़ से बांटा जाता था आर्टिफिशियल जो कैनाल्स होती थी यानी कि जो नहरें होती थी पानी की उनसे इनको डिवाइड किया जाता था और कभी कभी इस शहरबाग गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक पैलेस या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट बना दिया जाता था तो मुगल्स के टाइम पर शहरबाग गार्डन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे आ, इसके अलावा जहांगीर अकबर शाहजहाँ ने भी बहुत सारे चहरबाग्स गार्डन चहरबाग गार्डन्स कंस्ट्रक्ट किए थे कश्मीर आगरा और दिल्ली में ये आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर हमें एक फ़िगर दिया हुआ है ये 1590 की पेंटिंग है बाबर की काबुल जो कि अभी अफग़ानिस्तान में है वहाँ पर एक चहर बाग गार्डन बना हुआ है और हमें यहाँ पर बाबर भी दिखाई दे रहा है आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको और क्लियर दिखाई देगा तो ये जो कैनाल्स बनी हुई हैं जो मैंने अभी बात की पानी की नहरों की ये गार्डन्स को डिवाइड भी कर रही हैं प्लस गार्डन को पानी भी मिलता है इनसे नाउ अकबर के टाइम पर बहुत सारे आर्टिक आर्किटेक्चरल इनोवेशन्स हुए थे सो so, सबसे मेन इसमें ये था गुम्बद बनाना यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है टॉम्ब ऑफ हुमायूं हुमायूं का मकबरा जो कि 1562 से 1571 के बीच में बनवाया गया था यहाँ पर अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको और क्लियर दिखाई देगा ये एक गुंबद बना हुआ है डॉम बना हुआ है ओके सो ये ये वाला जो शेप होता है डॉम शेप ये अकबर के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था और बाद की बिल्डिंग्स में भी हमें दिखाई देता है तो ये जो हुमायूं का टॉम्ब है हुमायूं का मकबरा है ये एक चेहरबाग गार्डन के बीचो बीच स्थित है ओके इस बिल्डिंग को रेड सैंडस्टोन से और वाइट मार्बल से बनवाया गया था हुमायूं के टॉम्ब को और एक बीच में एक सेंट्रल हॉल है और उसके आसपास एट रूम्स आठ कमरे हैं इसलिए इसको एट पैराडाइजेस या फिर हष्ट बिशिश कहा जाता है एट पैराडाइज आर्ट्स वर्क नाव अगर हम शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ की जो आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल स्टाइल थी उसमें बहुत ज़्यादा हारमोनीय सिंथेस भी मिला हुआ था यानी कि सबसे पहली बात तो शाहजहाँ को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी एस्पेशली इन आगरा एंड डेली जो हमें आज भी देखने को मिलती है उसने बहुत सारे सेरेमोनियल हॉल्स बनवाए थे पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए पब्लिक के लिए जो उसने हॉल्स बनवाए थे उनको कहा जाता था दीवाने आम एंड प्राइवेट ऑडियंस के लिए जो उसने हॉल्स बनवाए थे उसे कहा जाता था दीवाने खास इनको बहुत केयरफुली प्लान किया जाता था तो शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल्स हुआ करते थे वो ऐसे बनवाए जाते थे जैसे कि कोई मॉस्क हो उसका जो स्ट्रक्चर होता था डिज़ाइन होती थी वो एक मस्जिद की तरह होती थी जो पेडस्टल होता था पेडस्टल यानी कि प्लेटफॉर्म जहाँ पर राजा का सिंहासन रखा होता था उसे किबला कहा जाता था किबला उस डायरेक्शन को बोलते हैं जहाँ पर मुस्लिम्स अपनी नमाज पढ़ते टाइम अपनी प्रेयर करते टाइम जिस डायरेक्शन को फ़ेस करते हुए खड़े रहते हैं या बैठते हैं उसे किबला कहते हैं तो आ, इसका ये मतलब था सीधा सीधा कि जो राजा है वो गॉड की जगह पर है एक तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि उसका आइडिया ये था कि मुझे रा, आ, राजा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ के ऊपर तो ये जो आर्किटेक्चुरल फीचर्स है शाहजहाँ के वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो जो इम्पीरियल कोर्ट यानि कि राजा का दरबार होता था और रॉयल जस्टिस यानी कि राजा का जो न्याय होता था उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से डेली में जो रेड फोर्ट लाल किला बना हुआ है वो शाहजहाँ ने बनवाया था उसमें हमें दिखता है तो रेड फोर्ट में अगर आप देखेंगे तो जो राजा का सिंहासन है एम्पर के थ्रोन के पीछे पेट्रा ड्यूरा की एक सीरीज़ थी पेट्रा ड्यूरा का मतलब क्या होता है पेट्रा ड्यूरा मेनली एक इटालियन या फिर आ, रोमन स्टाइल है डिज़ाइन्स बनाने की जो कि फ्लोरेंस इटली में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी इसमें बेसिकली दीवार के ऊपर जो मार्बल की दीवार होती है या सैंडस्टोन की दीवार होती है उसके ऊपर कलरफुल पत्थर जो होते हैं हार्ड स्टोन्स जो होते हैं उनको काट कर शेप दिया जाता था अलग अलग सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाने के लिए सो दैट वॉज कॉल्ड ड्यूरा तो एम्पर की थ्रोन के पीछे पेट्रा ड्यूरा की हमें सीरीज दिखाई देती है जिसमें कि ग्रीक कॉर्ड जो ग्रीक्स के देवता ऑर्फियस जो हैं वो ल्यूट बजाते हुए यानी कि वीणा बजाते हुए हमें दिखाई देते हैं तो शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था दीवाने खास और दीवाने आम था वो हमें ये बताता है ये दर्शाता है कि जो किंग का जस्टिस है किंग का जो न्याय है वो हाई और लो को ऊँच नीच को नहीं मानता है सबको बराबर बराबर मानता है और सभी लोग राजा के शासन में मिलजुल कर हारमोनी से रहेंगे तो शाहजहाँ के स्टार्टिंग के टाइम पर जब वो नया नया राजा बना था तो कुछ सालों तक उसकी कैपिटल आगरा में थी uh, क्योंकि आगरा में रिवर यमुना बहती है आपने देखा है ताजमहल जिसका हमें यहाँ पर फोटो भी बताया है ताजमहल सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना तो शाहजहाँ ने किसी को भी एक्सेस नहीं दिया था किसी को भी परमिशन नहीं दी थी आ, यमुना नदी के आसपास या उसके कुछ किलोमीटर तक के दायरे के आसपास कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए इवन उसके जो बहुत क्लोज क्लोज होते थे उनको भी वो बहुत मुश्किल से परमिशन देता था बहुत जो सबसे ज़्यादा जो खास लोग होते थे जैसे कि शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह सिर्फ उसी को या फिर कुछ और इक्का दुक्का लोगों को ही ये परमिशन मिली हुई थी कि आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो जो ताजमहल बना हुआ है प्योरली मार्बल का बना हुआ है और ये मुगल एम्पायर का ना सिर्फ शाहजहाँ के टाइम का बल्कि पूरे मुग़ल एम्पायर का सबसे ब्यूटीफुल फीचर आ, सबसे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट माना जाता है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है ये एक मोजोलियम है मोजोलियम मतलब ये याद में बनाया गया है उसकी जो वाइफ थी मुमताज महल उसकी याद में उसने ताज महल बनवाया था तो यहां पर हमें प्लान बताया गया है ताजमहल का यहाँ ताजमहल है और यहां पर रिवर यमुना बह रही है तो इसके आसपास हमें बहुत कम कंस्ट्रक्शन दिखेंगे बिल्कुल ना के बराबर क्योंकि किसी को भी परमिशन नहीं हुआ करती थी एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको शाहजहाँ की कैपिटल शाहजहानाबाद का मैप दिखाया गया है जो कि कितनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है पूरा पूरी सिटी भरी हुई है ऐसा लग रहा है ना रीजन एंड एम्पायर क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एटीनथ और एट्थ और एटीन सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बहुत सारी अलग अलग मोन्यूमेंट्स uh, बनने शुरू हो गए थे या बनने लग गए थे तो कई बार ऐसा भी होता था कि एक रीजन के ट्रेडिशन को दूसरे रीजन वालों ने अडॉप्ट कर लिया हो ऐसा हमें हिंदू रूलर्स में भी मिलता है मुस्लिम रूलर्स में भी मिलता है क्योंकि हम अभी डेली सल्तनत और मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं मेनली तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बहुत सारे जो मुगल एम्पायर के मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आपको पर्शियन के साथ साथ इंडियन स्टाइल भी मिलती है या फिर मालवा स्टाइल या फिर बंगाली स्टाइल जो होती है वो भी मिलती है जो मुगल एम्प्रर अकबर था उसने एस्पेशली अकबर ने ही जो बंगाल में बनने वाले जो डोम होते थे बांग्ला डोम जो कि एक झोपड़ी के शेप की जो रूफ़ होती है ना वैसी वाली डिज़ाइन उसने अपनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स में ऐड की थी यहाँ एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पर हमें पिलर्स दिखाए गए हैं ये पिलर्स हैं और यहाँ पर उन पिलर्स के ऊपर ऑर्नामेंटेशन है डिज़ाइंस बनी हुई हैं तो ये जोधाबाई पैलेस है आ, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में है और इसकी जो हमें पिलर्स के ऊपर जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है ये मेनली गुजरात और मालवा के डिज़ाइन है मेनली गुजरात के डिज़ाइन है सो so, फतेहपुर सीकरी जो अकबर की कैपिटल थी वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर गुजरात और मालवा की स्टाइल हमें देखने को मिलती है सो so, ऐसा बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलता है कि एक रीजन की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थी वो दूसरे रीजन ने अपनाई हो नाउ अगर हम इसी टाइम पर किसी और कंट्री की बात करें तो ट्वेल्थ सेंचुरी के बाद फ्रांस में ऐसे चर्चेस बनने शुरू हो गए थे जो पहले वाले चर्चेस से बहुत लंबे हुआ करते थे बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे और यहाँ पर हमें जो फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चर्च बना हुआ है तो ऐसे स्टाइल के जो चर्च होते थे जो बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे होते थे और बहुत लाइट हुआ करते थे ऐसी स्टाइल को कहा जाता था गोथिक इसमें पॉइंटेड आर्चेज होते थे अगर आप अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके जो आर्चेज हैं ये पॉइंटेड हैं यहां पर हमें आर्च आर्च बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ग्लास लगाया जाता था जिसके ऊपर पेंट किए जाते थे क्या पेंट किए जाते थे जो बाइबल में डिस्क्राइब किए हुए जो सीन्स हैं वो पेंट किए जाते थे ताकि लोगों को बाइबल की स्टोरीज पता चलें और बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं जो घंटियाँ होती है घंटे होते हैं बड़े बड़े चर्चेस के ऊपर वो ऐसे लगाए जाते थे इस तरीके से लगाए जाते थे कि कोई इंसान दूर से थोड़ी सी दूर हो तो उसे भी दिख जाए कि चर्च कहाँ पर है तो ऐसे आर्किटेक्चरल स्टाइल के जो एग्ज़ैम्पल्स हैं वो पेरिस में है जो कि है नोटर डैम चर्च जिसका हमें फ़ोटो दिखाया गया है So your this chapter is completed you have to learn the question answers of this